जिलाधिकारी कृष्णा करोड़ेश व एसएसपी डॉक्टर गौरव ग्रोवर ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के 28 मार्च को चैत्र नवरात्र के अवसर पर दाऊदपुर स्थित भारत सेवाश्रम संघ में आयोजित कार्यक्रम की तैयारियों को लेकर संबंधित अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया, जिसके संबंध भारत सेवाश्रम संघ के पुजारी स्वामी विष्णुदेवानंद ने बताया कि चैत्र नवरात्र शुरू हो गया है, जिसको देखते हुए भारत सेवाश्रम में माँ दुर्गा की मूर्ति को स्थापित किया गया है और 28 मार्च को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शाम को 4 बजे आएंगे, जो कि यहाँ पर आकर माँ दुर्गा की पूजा अर्चना करेंगे और आशीर्वचन देंगे, जिसमें 1000 लोग शामिल होंगे। यहाँ पर स्कूली बच्चों का स्टॉल भी लगेगा, जिसके लिए सीएम ऑफिस में आश्वासन मिल गया है। इस अवसर पर एडीएम सिटी विनीत कुमार सिंह, कैंट थाना प्रभारी रणधीर कुमार मिश्रा सहित अन्य लोग मौजूद रहे। इस संबंध में गौरखपुनी से बात करते हुए भारत सेवाश्रम के पुजारी स्वामी विष्णुदेवानंद ने कहा, या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेणसंस्थिता नमतश्रय 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 नमः नमः। 27 नवरात्रि तो शुरू हुआ 22 तारीख से, तो 27 को हमारा उद्बोधन होगा मूर्ति का, मूर्ति विमोचन होंगी। इसके बाद 28 तारीख को मुख्यमंत्री आएंगे शाम को 4 बजे। क्या है कार्यक्रम? आके उनके पूजा आरती करेंगे और थोड़ा आशीर्वचन देंगे भक्त लोगों को। कितने लोग शामिल होते हैं लगभग इस कार्यक्रम में? अगर 1000 लोग शामिल होंगे, भक्त लोग आएंगे सब सारे। स्टॉल भी लगेगा और सब शाम को कार्यक्रम भी होगा, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होगा। तो 28 तारीख को महाराज जी आएंगे? हम 28 तारीख को आएंगे। आपकी तरफ से कुछ आश्वासन मिला आने का? हाँ, उस ये से लखनऊ से ग्रीन सिग्नल मिला, 28 को आएंगे। हर साल आते हैं? हर साल आते हैं, आगे साल भी आए थे, 1 घंटा थे आगे साल। क्या नाम है? स्वामी विष्णुदेवानंद। क्या है?